लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। ये है अजय देवगन का एकमात्र डायलॉग, वो भी गंगूबाई काठियावाड़ी ट्रेलर में। जी हाँ दोस्तों, 3 मिनट 15 सेकंड का ट्रेलर और अजय देवगन को सिर्फ 10 सेकंड का स्क्रीन स्पेस दिया है। मुझे पता है यही लोग कहेंगे कि अजय देवगन को काफी ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलने वाला है पिक्चर में, लेकिन अजय देवगन के फैंस को थोड़ी सी निराशा जरूर हुई होगी कि इतना छोटा सीन क्यों दिया है ट्रेलर में। अजय देवगन को ज्यादा सीन मिलना चाहिए था। और वहीं आपको बता दो कि अजय देवगन के लुक के बारे में अगर बात की जाए, अजय देवगन बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। करीम लाला का वो रोल निभाने वाले हैं और जिस तरह से उनकी ड्रेसिंग सेंस है, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की जो फिल्म है उसका करेक्टर लुक का एक जलवा या फील देकर जा रहे हैं अजय देवगन यहाँ पे। कमाल कमाल लग रहे हैं। और किसी तरह से कोई गुंडा शायद पकड़ पीटने वाला रहता है अजय देवगन उसको पकड़ के अपने गाड़ी के बोनेट पे ऐसा मारते हैं, तो वही एक एक्शन सीन मुझे देखने को मिला इस ट्रेलर में। अजय देवगन के रहने से एक चीज तो साफ होगी कि ऑल अजय देवगन फैंस इस फिल्म को जाकर देखेंगे। आलिया भट्ट का रोल बेहतर है, लेकिन इसे कोई और एक्टर जैसे विद्या बालन या प्रियंका चोपड़ा या फिर दीपिका पादुकोण निभाती तो और इसमें जान आती और इसमें करिश्मा बढ़ता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आलिया भट्ट ने अपने रोल को अपनी एज के हिसाब से बेस्ट तरह से निभाया है, ये मैं कह सकता हूं। बट हाँ, ये और बेहतर हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है। और संजय लीला भंसाली के साथ अजय देवगन का ये आना काफी अच्छा लगा। हम दिल दे चुके सनम के साथ में लोग ने काम किया था, अजय देवगन सर काम किए थे और काफी वक्त के बाद काम कर रहे हैं यहाँ पे अजय देवगन के साथ। मुझे बहुत खुशी है। अजय देवगन का लुक, स्टाइल और ये डायलॉग कैसा लगा जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओटीटी क्रेजीज को लव यू ऑल, बाय बाय।